हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो गेम। तो आज हम बात करेंगे आईफोन डेट ऑफ परचेस के बारे में, हमने कब आईफोन ख़रीदा था, क्योंकि हम भूल जाते हैं। आजकल ज़माना पेपरलेस का है और ईमेल में 6-7-8 महीने या फिर 1-2 साल पीछे जाना भी सरदर्दी है। और जब हम यूज्ड आईफोन ख़रीदते हैं तो लोग स्पैमी हो जाते हैं भाई, और सच नहीं बताते कि ये कितना पुराना है, क्या है क्या नहीं है। तो डिवाइस खुद ने खरीदी हो या फिर किसी और ने, इसका पता लगाना बहुत ही आसान तरीका है। लेकिन इसके दो तरीके होते हैं, मतलब दो कैटेगरीज होती हैं, एक कवर्ड बाय वारंटी और दूसरी नॉट कवर्ड। तो कवर्ड ज़्यादातर 12 मंथ्स की तो होती है, जैसे कि हम जाएंगे जनरल में, अबाउट में, ओके, तो ये लिमिटेड वारंटी आ रही है, ये इस साल एक्सपायर हो रही है, यानी कि इस, लेकिन ये डेट ऑफ परचेज मेरे को नहीं बता रहा है, ओके। तो दूसरा है, जैसे मेरे पास आईफोन 7 प्लस है, तो इसमें हम जाएंगे अबाउट में, तो इसकी जो है कवरेज जो है वो एक्सपायर हो चुकी है, ठीक है ना, लेकिन रिपेयर्स इसके अवेलेबल हैं। अब हम चलते हैं कि मेरे पास कितनी डिवाइसेस हैं और मैंने कब परचेज़ की थी, इसका पता लगाते हैं। तो लिंक मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, तो हम जाएंगे साइन इन करेंगे। तो साइन इन होने के बाद इस तरह से आपका पेज खुल जाएगा। तो जैसे मेरे पास ये तीन डिवाइसेस हैं, जैसे कि मैं ये खोलूँगा, ये देखिए, तो ये आ रही है डेट ऑफ परचेज, डेट ऑफ परचेज इज 28 मई 2022, ओके। इस तरह से आप पता लगा सकते हैं। दूसरा, जैसे आईपैड है, मैंने कब खरीदा था, इसकी डेट ऑफ परचेज आ रही है 7 दिसंबर 2021। और सबसे एंड में जो मेरा पुराना फ़ोन था, जैसे आईफोन 7 प्लस, काफ़ी साल पुराना है, तो ये मैंने खरीदा था 2017 में, डेट ऑफ परचेज के 15 नवंबर 2017। तो आपको किसी को यदि अपना फ़ोन सेल करना हो या फिर ख़रीदना हो, तो इस तरह साइट पर जाकर के आप अपनी या किसी और की आईफोन की पूरी डेट ऑफ परचेज का पता लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बताइए वीडियो कैसा लगा, और आप भी अपने आईफोन की डेट ऑफ परचेज इस तरह से चेक कर सकते हैं। और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।